जैसा कि जय हिंद साथियों, जैसा कि हम एक जगह इकट्ठा हुए थे, हमने नाइट इस्तेमाल किया और हमारे कुछ साथी वहाँ पहुँचे भी थे, पर पुलिस को सूचना मिल गई तो पुलिस हम चारों लोगों को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँची। और भी हमारे साथी भी वहाँ पर हैं अभी, तो अभी वो भी वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। हम वहाँ से निकल कर हम एक सुरक्षित जगह पर आ चुके हैं और 12 बजे आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि रोशनपुरा आप किसी भी कंडीशन में पहुँचे। धन्यवाद साथियों। ठाकुर सर, तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों को अभी से परेशान करना शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस मोमेंट को बंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि हम लोग जब तक हैं, जब तक आप ये लड़ रहे हैं, इस मोमेंट का ना कोई दबा पाएगा। हम लोग जितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो भारी संख्या में आप लोग को आना जरूरी है। आप लोग घबराए ना, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, आप लोग भी पहुँच जाइएगा। अब आगे की पूरी रणनीति हमारे प्रमोशन भी बताएंगे और निश्चिंत रहिए कि हम लोग जो भी कर सकते हैं आपके लिए कर रहे हैं। और आप लोग को बस सहयोग ये देना है कि 12 बजे जितनी अधिक संख्या में पहुंचेंगे उतना ज़्यादा अपना मोमेंट सफल रहेगा। कर गया है, ठीक है जी सर, है ना। साथियों डरना नहीं है, हम हमारे हक को मांगने आए, हमारे अधिकार को मांगने आए हैं, इसलिए हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए। आप किसी को भी डरना नहीं है, हम आपके साथ में, ठीक है। घबराओ मत, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को जितना भी जल्दी आपका हक दिला सके, लेकिन आप लोग को सहयोग करने के लिए 12 बजे पहुँचना है, ठीक है। जैन साथियों, पुलिस कितना भी प्रदर्शन करे कोई दिक्कत नहीं है।